दोस्तों, अगर मगर की बातों में इतिहास के तार अटके हुए हैं, क्या होता अगर ये न होता, क्या होता अगर वो होता। इसी तरह के हाइपोथेटिकल कंडीशंस के साथ हम इतिहास को घुमा सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल आज मुझे आपसे पूछना है। तो सवाल ये है कि क्या होता अगर सिकंदर भारत आता ही नहीं, क्या होता अगर उसकी राजा पोरस के साथ लड़ाई नहीं हुई होती। इस सवाल के तार जुड़े हैं एक बहुत बड़े साम्राज्य के साथ। कैसे, चलिए जानते हैं। मान के चलिए अगर सिकंदर भारत आता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी और पोरस की लड़ाई कभी होती ही नहीं। लड़ाई ना होती तो चाणक्य उत्तर भारत में मौजूद नंद राजवंश के राजा धनानंद से सिकंदर के साथ लड़ने के लिए मनाने नहीं जाते, और धनानंद चाणक्य का अपमान नहीं करता। अपमान ना होता तो चाणक्य में नंद राजवंश को उखाड़ फेंकने की ताकत ना आती, न वे चंद्रगुप्त से मिलते और ना मौर्य साम्राज्य बनता। और ऐसा सच में हो सकता था। खैर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये सब अगर मगर की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिकंदर के चले जाने के बाद मामला पूरी तरह से शांत हो गया। अपनी मौत के बाद मैसेडोनिया के इस सम्राट के एक विशाल रियासत के कई टुकड़े हुए, जिसमें सबसे अहम था सेलिकोस। यह राज कर रहा था सिकंदर का सबसे करीबी कमांडर सेल्यूकस। जो मंशा सिकंदर की थी वही उसकी भी थी, मुकम्मल भारत को जीतना। मगर मामला इतना भी आसान नहीं था। कैसे, यही है हमारे आज का चर्चा का विषय। ये बात है 312 BC यानी 312 ईसा पूर्व की। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य मैसेडोनिया के कई हिस्से बने, जिसमें से एक था सेल्यूकोस। ये उस समय के बेबिलियन क्षेत्र की रियासत थी, जहां राज कर रहा था सिकंदर का सबसे खास कमांडर सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर। एक एक्सपांशन पॉलिसीज के साथ सेल्यूकस भारत के नॉर्थ ईस्ट साइड यानी आज के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करने की मंशा लिए आगे बढ़ रहा था। अब दूसरी ओर क्या चल रहा था, दूसरी ओर भी सेम कंडीशन थी। नॉर्थ इंडिया में मौजूद नंद वंश को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर आए थे, एक्सपांशन पॉलिसीज तो उनके भी मन में थी। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों का टकराव तो तय था। वैसे इन दोनों में हुई लड़ाई की इन डिटेल जानकारी इतिहास के पन्नों पर कुछ धुंधली नजर आती है, मगर एक रोमन हिस्टोरियन एपियन लिखते हैं, सेल्यूकस ने बड़ी मंशा के साथ सिंधु नदी को पार किया। मकसद था एक आक्रामक रवैये के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को हराना। नदी के दूसरी ओर दोनों में भीषण लड़ाई हुई। दोनों सेनाएं एक दूसरे से कम नहीं थी। यह लड़ाई तब तक चलती रही जब तक दोनों में सुलह नहीं हुआ। इस वाक्य में एपियन जिस सुलह की बात कर रहे हैं, वो सुलह चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुआ था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़ाई अनिर्णित रही। वैसे रोमन इतिहासकार हमेशा से अपने राजाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, चाहे उनकी हार ही क्यों ना हो। एपियन ने ही इसी तरह इस लड़ाई के निर्णय को सुलह का नाम दिया, मगर ये सुलह कैसा था, चलिए जानते हैं। दरअसल इस युद्ध के कुछ ही घंटों बाद ये साफ हो गया था कि चंद्रगुप्त की सेना सेल्यूकस की सेना को पछाड़ देगी। ऐसे में उनका वापस नदी पार करना खतरे से खाली नहीं था, तो अब सुलह के सिवा दूसरा रास्ता ही बचा ही कहा। वैसे चंद्रगुप्त भी नए नए सम्राट बने थे, और कोई भी सम्राट और कोई भी राजा यही चाहता है कि कम से कम हानि के साथ ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त भी सेल्यूकस के इस सुलह की पेशकश को मान गए। इस सुलह की शुरुआत हुई मैट्रिमोनियल अलायंस यानी वैवाहिक संबंधों के साथ। सेल्यूकस ने अपनी बेटी के साथ चंद्रगुप्त की शादी करा दी, ताकि वो ये विश्वास दिला सके कि आगे से कभी भी उनकी सेना हिंदुकुश पार नहीं करेगी।
वैसे उस समय किसी भी सुलह का सबसे भरोसेमंद तरीका यही था। खैर, चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस के इस सम्मान का मान रखते हुए उन्हें 500 हाथियों की भेंट दी। ये 500 हाथी सेल्यूकस के लिए बेहद अहम साबित हुए। इसी के बलबूते पर उन्होंने वेस्ट में होने वाले कैंपेन्स में दुश्मनों को धूल चटाई। इस सुलह का एक और चैप्टर भी था। दरअसल सेल्यूकस ने इन एडिशन अपने दो ग्रीक एम्बेसिडर मेगिस्टस और डेमिकोस को मौर्यन कोर्ट, जो पाटलिपुत्र था, वह भेजा। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अलायंस थी इन दोनों रियासतों के बीच। तो यह थी कहानी मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई लड़ाई की। वैसे इस लड़ाई की ज्यादा जानकारी इतिहास में मौजूद नहीं है, मगर एक बात तो साफ है कि इस लड़ाई की वजह से आगे चलकर ग्रीक आक्रमणकारी भारत से और स्पेशली मौर्य साम्राज्य से बचते रहे। तो आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।